हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा jQuery कोर्स से रिलेटेड 32 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप jQuery के मेथड चेनिंग सीखने वाले हैं। इससे पहले जितने भी हमने वीडियोस देखी हैं jQuery से रिलेटेड, उसमें मैंने एक चीज कॉमन आपको चीज बताई है कि एक सिलेक्टर होता है HTML का, जिसको हमें टारगेट करना है और उस पर हम jQuery के अलग अलग मेथड अप्लाई कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ देखिए, डॉलर लगा के हम यहाँ पे जिसको टारगेट करना है, यहाँ पर CSS का हम सिलेक्टर दे देते हैं और डॉट लगा के यहाँ पर हम jQuery का कोई भी मेथड लिख लेते हैं। मैं यहाँ पर एक आपको एग्जांपल दिखाता हूँ इसी का। ये देखिए, यहाँ पर एक हमारे पास आईडी बॉक्स करके कोई डिव है या कुछ भी हो सकता है, उस पर हमने कलर चेंज किया CSS से, उसकी प्रॉपर्टी लिया CSS की यहाँ पर कलर, और उसमें कलर चेंज कर दिया रेड। अब इसी सेम सिलेक्टर पर मैं कुछ और भी इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, मान लीजिए कुछ ऐसा, जैसे मैंने यहाँ पर jQuery का मेथड यूज कर दिया स्लाइड अप। अब इसी सेम सिलेक्टर पर मैं एक तीसरा मेथड भी यूज कर लेता हूँ, देखिए जैसे स्लाइड डाउन। अब यहाँ पर एक चीज देखिए कॉमन है, वो क्या है इन तीनों लाइंस में, जो सिलेक्टर है, बाकी हम डिफरेंट मेथड यूज कर रहे हैं, तो इससे हमारा थोड़ा जो वर्क है आपको दिख रहा है कि वो बढ़ गया है, मतलब कि हमने तीन सिलेक्टर जो कॉमन थे उन पे अलग अलग तीन लाइनें लिखी हैं। अगर मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ कि ये तीनों जो लाइंस हैं एक ही लाइन में हो जाए, तो उसके लिए jQuery के अंदर एक स्पेशल चीज आती है जिसको हम कहते हैं मेथड चेनिंग, कुछ इस तरीके से। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने सिलेक्टर लिया, उसके बाद जो हमारा पहला मेथड था CSS का, वो हमने यहाँ पर डॉट लगा के लिख दिया, उसके बाद जो हमारा दूसरा मेथड था स्लाइड अप, वो हमने फिर से डॉट लगा के लिख दिया, और उसके बाद जो हमारा तीसरा सिलेक्टर है फिर हमने डॉट लगाया, और यहाँ पे हमने जो तीसरा मेथड है वो भी लिख दिया। इस तरह आप जितने मर्जी मेथड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एक ही लाइन के अंदर। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकली कि इस मेथड को यूज कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हमने HTML के एडिटर में एक सिंपल सा एक डॉक्यूमेंट बना लिया अपना, जिसमें हमने ऊपर एक हेडिंग दी है, उसके नीचे एक डिव आ रहा है, उसके अंदर एक सब हेडिंग ली है, और नीचे उसके पैराग्राफ लिए, डमी पैराग्राफ, और नीचे उसके एक बटन है जिसको यूज करके हम इस वीडियो का प्रैक्टिकल करने वाले हैं। और यहाँ पर देखिए, ये हमारा डिव है और इसके अंदर हमने आईडी लगाया हुआ, जो आपको यहाँ पर ग्रीन कलर का दिख रहा है, इस पर आईडी लगा हुआ बॉक्स। इसके नीचे जो बटन लिया एनिमेट करके, उस पर भी हमने अलग से आईडी लगाया, जिस पर हम अपना क्लिक इवेंट यूज करेंगे। इसके नीचे हमने एक एक्सटर्नल jQuery की फाइल लगाई है, जिसको यूज करके हम इस वीडियो का प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना स्क्रिप्ट टैग ले लेता हूँ। इसके अंदर अपना पहले मैं jQuery का जो बेसिक कोड है document.ready उसको लिख लेता हूँ, और इसके अंदर मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। ये देखिए, जैसे हमारा डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएगा, ये फंक्शन चल पड़ेगा। अब इसके अंदर मैं चाहता हूँ सबसे पहले मैं अपना जो ये बटन है एनिमेट नाम से, इसका क्लिक इवेंट लिख लेता हूँ। तो देखिए, इस पर आईडी मैंने लगाया हुआ है एनिमेट btn, तो उसको मैं यहाँ पर कॉपी करके एक सिलेक्टर बना लेता हूँ, और इस पर मैं यहाँ पर अपना क्लिक इवेंट यूज करूंगा। मतलब कि जैसे ही मैं इस बटन पर क्लिक करूँ, तो यहाँ पर एक फंक्शन रन हो जाएगा। ये देखिए, अब जैसे ये बटन पर क्लिक हो, मैं चाहता क्या हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है पहले वो चेंज हो, फिर ये स्लाइड अप हो जाए, और फिर स्लाइड डाउन हो जाए। तो ये तीन अलग अलग मेथड्स हैं जो मैं इस आईडी बॉक्स पर लगाना चाहता हूँ। तो देखिए, पहले मैं इसका सिलेक्टर बना लेता हूँ, यहाँ पे मैंने हैश लगाया क्योंकि एक आईडी है, और इसके बाद मैं सबसे पहले CSS का जो मेथड है उसको यूज कर लेता हूँ। इसके अंदर जो प्रॉपर्टी मैं यूज करूंगा उसका नाम है बैकग्राउंड, आप बैकग्राउंड हाइफन कलर जैसे है वो प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसका कलर कर देता हूँ पिंक। यहाँ पे मैंने अभी इसको बंद कर दिया, मैं अभी इतनी चीज़ को टेस्ट करता हूँ पहले। ये देखिए, जैसे मैं एनिमेट बटन पे क्लिक किया तो ये कलर चेंज हो गया। अब मैं इसी के साथ चाहता हूँ कि ये स्लाइड अप भी हो जाए, तो यहीं पर मैं डॉट लगा के स्लाइड अप नाम का जो मेथड है उसको यूज़ कर लेता हूँ, और इसी के बाद ही जैसे मैं स्लाइड डाउन भी कर देता हूँ। ये देखिए, तो मैंने यहाँ पर एक ही लाइन के अंदर अलग अलग तीन मेथड यूज़ कर लिए, आप देख रहे हैं यहाँ पे CSS, स्लाइड अप और स्लाइड डाउन। तो इसी को हम कहते हैं मेथड चेनिंग। मैंने फाइल को सेव किया। अब ये देखिए, आपने देखा कि पहले कलर चेंज हुआ, फिर स्लाइड अप हुआ, फिर स्लाइड डाउन हुआ। मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। तो मैं यहाँ पर स्लाइडिंग मेथड के अंदर जो स्लाइड्स के हमने अलग अलग मेथड लिए, इनके अंदर अलग अलग पैरामीटर भी यूज कर सकता हूँ स्पीड के लिए। तो देखिए, जैसे मैं स्लो करने के लिए यहाँ पर 2000 मिलीसेकंड लिख देता हूँ, और मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया। अब देखिए यहाँ पे, तो आपने देखा कि कैसे अब स्मूथनेस आ गई एनिमेशन के अंदर, और जो ये मेथड चल रहे हैं ये एक के बाद एक चल रहे हैं, सारे इकट्ठे नहीं चल रहे हैं। आपने ये भी देखा, एक सीक्वेंस बना हुआ है, पहले ये होगा, फिर स्लाइड अप होगा, फिर स्लाइड डाउन होगा। तो इस तरह की मेथड चेनिंग को यूज करके आपका जो कोड है वो काफी छोटा हो जाता है। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।